गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर 4 स्टडी कर रहे हैं। इस लेक्चर के अंदर हम इंस्ट्रक्शंस टाइमिंग, इंस्ट्रक्शन साइकल्स, फेचिंग साइकल्स एंड एग्जीक्यूट साइकल्स और इनके टाइमिंग डायग्राम डिस्कस करेंगे। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे, इंस्ट्रक्शन टाइमिंग्स एंड रिस्पेक्टिव साइकल्स इन केस ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर मैक्सिमम क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी जो हम कनेक्ट करते हैं दैट इज इक्वल टू 6.28 मेगाहर्ट्ज़ एंड इट्स टू डिफरेंट वर्जन्स आर ऑल्सो अवेलेबल दैट इज 8085A1 एंड 8085A2। इनके जो डिफरेंट वर्जन्स हैं इसके अंदर क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी जो लगेगा दैट इज 10 मेगाहर्ट्ज़। तो इनके वर्जन्स में ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी जो रहेगी वो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 5 मेगाहर्ट्ज़। तो ये हमारी मैक्सिमम रेंजेस है क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी ओसिलेटर की जो हम 8085 प्रोसेसर में या इनके वर्जन्स में कनेक्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम इंस्ट्रक्शन स्टेट से, इंस्ट्रक्शन टाइमिंग एंड साइकिल्स में देखते हैं कि पहले कौन कौन सी चीज़ आती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टी स्टेट की। टी स्टेट क्या होता है, टी स्टेट इज बेसिकली द टाइम, टी स्टेट इज बेसिकली द टाइम पीरियड टू कंप्लीट वन क्लॉक साइकिल। तो एक क्लॉक साइकिल को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उस टाइम को हम कहते हैं टी स्टेट। तो जो भी हमारी क्लॉक रहेगी उसका एक साइकिल कंप्लीट होने में जो टाइम टेकन लगेगा उस साइकिल को, वो साइकिल का टाइम पीरियड भी कह सकते हैं या फिर टाइम टेकन बाय ए क्लॉक इन वन साइकिल इज कॉल्ड एज टी स्टेट। उसके बाद बात करते हैं हम मशीन साइकिल की कि मशीन साइकिल हमारा क्या होता है। द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑपरेशन, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑपरेशन इज कॉल्ड मशीन साइकिल। तो हमारा 8085 प्रोसेसर के अंदर हमारे डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं लाइक फेचिंग ऑपरेशन, रीडिंग ऑपरेशन, राइटिंग ऑपरेशन। तो ये जो हमारे डिफरेंट ऑपरेशंस हमने बात की यहाँ पे स्टडी किया, कौन कौन से, फेचिंग ऑपरेशन, रीडिंग ऑपरेशन, राइटिंग ऑपरेशन। तो ये जो डिफरेंट ऑपरेशंस हैं इस ऑपरेशन को करने में टोटल टाइम जो लगता है उस टाइम को क्या कहते हैं, मशीन साइकिल। सो मशीन साइकिल इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑपरेशन इज कॉल्ड मशीन साइकिल। तो हमारी जो मशीन साइकिल्स होती हैं, हमारे पास डिफरेंट मशीन साइकिल्स हैं कौन कौन सी, लाइक फेचिंग मशीन साइकिल जिसको हम क्या बोलते हैं कई बार OFMC भी बोलते हैं, ऑपरेशन कोड या ओप कोड फेच मशीन साइकिल, रीडिंग साइकिल, राइटिंग साइकिल। ये रीडिंग साइकिल मेमोरी से भी रीड किया जा सकता है, राइटिंग साइकिल जो है मेमोरी पे भी राइट किया जा सकता है या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइस पे भी रीडिंग और राइटिंग साइकिल हो सकती हैं। नेक्स्ट है हमारा इंस्ट्रक्शन साइकिल। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होता है, द टाइम रिक्वायर्ड टू फेच एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन, द टाइम रिक्वायर्ड टू फेच एंड एग्जीक्यूट वन इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन साइकिल। तो बेसिकली इंस्ट्रक्शन साइकिल में हमारे दोनों ऑपरेशन होते हैं, फेच ऑपरेशन भी होता है और उसमें एग्जीक्यूट ऑपरेशन भी होता है। तो फेच साइकिल में हमारा, हमने पहले डिस्कस किया एक फेचिंग ऑपरेशन, दूसरा हमारा क्या है एग्जीक्यूट ऑपरेशन। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल बेसिकली हम कह सकते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल कंपोज्ड ऑफ टू सेक्शंस, फर्स्ट सेक्शन इज फेचिंग सेक्शन एंड सेकंड सेक्शन इज एग्जीक्यूट सेक्शन। अब एग्जीक्यूट सेक्शन जो है उसमें के अंदर आ जाएगा रीडिंग ऑपरेशन या राइटिंग ऑपरेशन जिसको हम साइकिल से भी डिनोट कर सकते हैं, रीड साइकिल या राइट साइकिल। तो अब आते हैं हम फेच साइकिल। तो
तो फेच साइकिल बेसिकली हमारा होता है माइक्रोप्रोसेसर ऑपरेशन कोड को प्रोग्राम मेमोरी से रीड करता है और डाटा बस तक उस ऑपरेशन कोड को पहुंचाता है। दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड फेच ऑपरेशन और फेच साइकिल। सो फेच साइकिल को कैसे डिनोट करेंगे? द टाइम रिक्वायर्ड टू रीड द ऑपरेशन कोड फ्रॉम मेमोरी एंड सेंड इट टू द डाटा बस। तो डाटा बस तक कहाँ से पहुँचाना है? मेमोरी से डाटा बस तक पहुँचाने के काम को हम फेच साइकिल कहते हैं। रीड साइकिल एंड राइट साइकिल। रीड साइकिल हमारा क्या होता है? रीड साइकिल द टाइम रिक्वायर्ड टू रीड। क्या रीड कर सकते हैं? डाटा या फिर एड्रेस फ्रॉम मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस। इसी तरह से राइट साइकिल में भी यही रहेगा। राइट साइकिल में क्या रहेगा? द टाइम रिक्वायर्ड टू राइट द डाटा टू मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस इज कॉल्ड राइट साइकिल। तो यहाँ पे हम इस फिगर में देखते हैं कि यहाँ पर हमारी पहली मशीन साइकिल है फेच साइकिल, दूसरी मशीन साइकिल है हमारी एग्जीक्यूट साइकिल। हमारे पास 8085 माइक्रो प्रोसेसर में 256 इंस्ट्रक्शंस होती हैं और ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं हमने तीन कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड करते हैं। इंस्ट्रक्शंस हमारी कितनी कैटेगरी में डिवाइड होती है? थ्री कैटेगरी में, दैट इज़ 1 byte, 2 byte और 3 byte। तो तीन तरह की इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी हमें 8085 माइक्रो प्रोसेसर में। कौन कौन सी होंगी फिर से रिवाइज करते हैं। 1 byte, 2 byte और 3 byte। तो कोई भी इंस्ट्रक्शन हो हमारी, चाहे सिंगल बाइट की हो, चाहे 2 byte की हो या 3 byte की हो, उसके अंदर पहली मशीन साइकिल जो होगी वो हमेशा फेच साइकिल होती है। तो हर इंस्ट्रक्शन में कम से कम एक मशीन साइकिल होती है। मैक्सिमम कितनी मशीन साइकिल हो सकती हैं किसी भी इंस्ट्रक्शन के अंदर? 5 हो सकती हैं। तो मशीन साइकिल्स की बात करें तो वी है M1 टू M5 मिनिमम 1 मशीन साइकिल एंड मैक्सिमम 5 मशीन साइकिल्स हो सकती हैं किसी भी इंस्ट्रक्शन में। अब बात करें कि पहली मशीन साइकिल क्या होती है। पहली मशीन साइकिल हमेशा फेच साइकिल होती है। सो फर्स्ट मशीन साइकिल इज ऑलवेज फेच साइकिल। सेकेंड एंड थर्ड मशीन साइकिल्स में भी रीड और राइट साइकिल्स डिपेंडिंग ऑन द इंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल को। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल में यहाँ पे हमने दो सेक्शन लिया है। पहला सेक्शन फेच साइकिल, उसके बाद एग्जीक्यूट साइकिल। फेच साइकिल को अगर यहाँ पे हम देखते हैं कि इसको हमने 4 T state से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये 4 T states में क्या क्या काम होते हैं फेच साइकिल में, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहला जो है फेच साइकिल में, T1 क्लॉक पीरियड जो है हमारा, T1 T state भी कह सकते हैं ना इसको। तो T1 इज़ द फर्स्ट स्टेट, फर्स्ट टी स्टेट या फर्स्ट क्लॉक साइकिल। इस फर्स्ट क्लॉक साइकिल में माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो प्रोग्राम काउंटर होता है, प्रोग्राम काउंटर 16 bit का एड्रेस, 16 बिट का एड्रेस सेंड करता है मेमोरी के पास। सेकेंड टी स्टेट में क्या होता है? मेमोरी ऑपरेशन कोड को लेती है सिलेक्ट फ्रॉम द सिलेक्टेड मेमोरी लोकेशन। कौन सी मेमोरी लोकेशन? जो एड्रेस प्रोग्राम काउंटर ने सेंड किया है वो पार्टिकुलर मेमोरी से ऑपरेशन कोड मेमोरी सेलेक्ट कर लेती है। और थर्ड टी स्टेट में उस ऑपरेशन कोड को मेमोरी डाटा बस पे सेंड कर देती है। तो जनरली हमारा फेच साइकिल में 3 T states की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन इन केस ऑफ स्लो मेमोरी, कभी कभी हमारी जो मेमोरी होती है वो स्लो होती है, तो वो हमारा क्या है, उस केस में वो हमारा जो ट्रांसफ़र ऑफ ऑपरेशन कोड है टू द डाटा बस, इट विल टेक मोर टाइम। तो वो ज़्यादा टाइम लेती है
तो उस केस में माइक्रोप्रोसेसर को क्या करना होगा, वेट करना पड़ेगा. सो माइक्रोप्रोसेसर हैज़ टू वेट अंटिल द मेमोरी ट्रांसफर द ऑपरेशन कोड टू द डाटा बस. जब तक स्लो मेमोरी ऑपरेशन कोड को डाटा बस पर नहीं भेजती है, जब तक माइक्रोप्रोसेसर को कुछ समय के लिए वेट करना पड़ता है, उस वेटिंग टाइम को हम T4 से रिप्रेजेंट करते हैं. तो हमारा जो फेच साइकिल है, फेच साइकिल में हमारे कितने टी स्टेट्स होते हैं, 40 स्टेट्स होते हैं. तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि क्या केवल 40 स्टेट्स ही होते हैं फेच साइकिल में? नो, कुछ इंस्ट्रक्शंस में हमारे फेच साइकिल में 6 टी स्टेट्स भी हो सकते हैं. तो टी स्टेट्स हमारे जो हैं 4 भी हो सकते हैं और 6 भी हो सकते हैं फेच साइकिल में. उसके बाद हमारा जो है एग्जीक्यूट साइकिल आ जाती है. एग्जीक्यूट साइकिल में रीड साइकिल भी हो सकती है और राइट साइकिल भी हो सकती है. तो फिर से रिवाइज करते हैं. इंस्ट्रक्शन साइकिल, इंस्ट्रक्शन साइकिल इज कंपोज्ड ऑफ 2 सेक्शंस, वन इज फेच साइकिल, अनदर इज एग्जीक्यूट साइकिल. फेच साइकिल हमारा जो होता है वो 40 स्टेट्स या 60 स्टेट्स में होती हैं. एग्जीक्यूट साइकिल में रीड या राइट साइकिल होती हैं जो कि 3 स्टेट्स होती हैं. जैसे यहाँ पे शो किया है T5, T6, T7, दीज आर द 3 क्लॉक पीरियड्स और 3 टी स्टेट्स. तो रीड साइकिल में भी और राइट साइकिल में भी 3 स्टेट्स हमारी कंज्यूम होती हैं. मैक्सिमम हमारी मशीन साइकिल्स कितनी हो सकती हैं और मिनिमम हमारी मशीन साइकिल्स कितनी हो सकती हैं किसी भी इंस्ट्रक्शन में? मिनिमम 1 मशीन साइकिल एंड मैक्सिमम 5 मशीन साइकिल्स हमारी किसी भी इंस्ट्रक्शन में हो सकती हैं. और इंस्ट्रक्शंस हमारी कितने तरह की होती हैं? 3 तरह की, सिंगल बाइट, 2 बाइट और 3 बाइट. तो 3 तरह की हमारी इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल होती हैं, सिंगल बाइट, 2 बाइट और 3 बाइट. यहाँ पे हम ऑपरेशन कोड का टाइमिंग डायग्राम स्टडी कर रहे हैं. इस टाइमिंग डायग्राम में अगर हम ध्यान से देखें तो 1 by 1 हम वेवफॉर्म्स को स्टडी करेंगे. दिस फर्स्ट वेवफॉर्म इज द क्लॉक पीरियड और क्लॉक फ्रीक्वेंसी. ये हमारी क्लॉक है. यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक कंप्लीट क्लॉक हो जाती है. तो ये आपकी जो है 1 साइकिल हो जाती है. इसको, इसके टाइम पीरियड को हम T1 से रिप्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट क्लॉक आपकी यहाँ पे फिनिश हो जाती है. इस टाइम पीरियड को हम T2 से रिप्रेजेंट करते हैं. सिमिलरली दिस इज़ T3 एंड दिस विल बिकम T4. तो इस तरह से ये जो हमारी क्लॉक है अवेलेबल यहाँ पर, इसको इसके यहाँ पे 4 टी स्टेट्स यहाँ पे शो किए हुए हैं या 4 क्लॉक्स यहाँ पे रिप्रेजेंट की हुई है. सेकंड जो है, दिस इज द प्रोग्राम काउंटर में जो 16 बिट का एड्रेस अवेलेबल होता है, वो 16 बिट का एड्रेस 2 सेक्शंस में हमने डिवाइड किया हुआ है. वन इज हायर बाइट एंड अनदर इज ऑफ लोअर बाइट. तो लोअर बाइट का जो एड्रेस है वो यहाँ पे भेजा हुआ है थ्रू AD बस, और हायर बाइट का जो एड्रेस है वो थ्रू एड्रेस बस के थ्रू 8 बिट की एड्रेस बस, हायर एड्रेस बस, उसके थ्रू सेंड किया है. और लोअर एड्रेस जो है वो हमने AD बस के थ्रू सेंड किया है. इस समय पर हमारी ALE पिन हाई होती है. इस समय पे हमारी ALE पिन हाई होती है. तो अगर नोट करें कि वेन एवर ALE पिन बिकम्स हाई, उस ड्यूरेशन में हमारा लोअर बाइट का एड्रेस हमारा एक लैच के अंदर स्टोर हो जाता है. और ड्यूरिंग वेन एवर ALE पिन बिकम्स लो, इस समय पर वो लैच के अंदर अवेलेबल होता है और लैच हमारा प्रोवाइड करता है लोअर बाइट का एड्रेस. जब हमारी ALE पिन लो हो जाती है, उस समय पर रीडिंग टास्क यहाँ पे होता है, रीडिंग ऑपरेशन. अब ये रीडिंग है या फेचिंग है वो किस पे डिपेंड करता है? इस पर, क्योंकि ये ऑपरेशन कोड है. अगर ये ऑपरेशन कोड है तो दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड फेचिंग. और अगर इसके जगह यहाँ पे डाटा हो या एड्रेस हो तो वो रीडिंग ही कहलाएगा. तो बेसिकली फेचिंग
ऑपरेशन के अंदर या फेचिंग साइकिल के अंदर ये जो होता है ऑपरेशन कोड होता है, डाटा या एड्रेस नहीं होता है। तो जब ये एलई पिन लो होगी तो हम करेंगे रीडिंग, माइक्रोप्रोसेसर क्या रीड करेगा, रीड करेगा फ्रॉम द सिलेक्टेड मेमोरी लोकेशन, इस मेमोरी लोकेशन से प्रोग्राम मेमोरी की इस मेमोरी लोकेशन से ये ऑपरेशन कोड को फेच किया जाएगा, मींस रीड किया जाएगा और डाटा बस पे अवेलेबल होगा। यहाँ पे राइट बार को हमने हाई किया हुआ है जिससे कि ये डिसेबल है, रीड ऑपरेशन यहाँ पे एक्टिव है और राइट ऑपरेशन आप यहाँ पे इनएक्टिव है। उसके बाद इनपुट आउटपुट ऑब्लिक मेमोरी बार, यहाँ पे ये लो सिग्नल है। फैचिंग जो होती है वो हमेशा मेमोरी से की जाती है, इसीलिए ये फैचिंग टाइमिंग डायग्राम में हमेशा ये लाइन हमेशा लो रहेगी। रीडिंग और राइटिंग के केस में ये हाई हो सकती है अगर हम इनपुट आउटपुट डिवाइस से डील कर रहे हैं तो फैचिंग के अंदर दिस विल ऑलवेज लो, इनपुट आउटपुट ऑब्लिक मेमोरी बार इज ऑलवेज लो, राइट बार इज ऑलवेज हाई, रीड बार इज लो वेन एवर एली पिन बिकम्स लो। जब ये लो होगी उस समय पर हम रीडिंग ऑपरेशन करेंगे, माइक्रोप्रोसेसर क्या रीड करेगा, रीडिंग ऑपरेशन करेगा और ऑपरेशन कोड को रीड करेगा और डाटा बस पे अवेलेबल होगा, कराएगा, सेंड करेगा, मेमोरी इस पर्टिकुलर ऑपरेशन कोड को सेंड करेगा टू द डाटा बस, जहाँ पे वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जाएगा, उसके बाद वहाँ पर वो डिकोड होगा और फिर वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरह से दिस कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड ऑपरेशन कोड फेच साइकिल, जिसमें 40 स्टेट्स, इस प्रेजेंट केस में 40 स्टेट्स यूज़ की हुई हैं, किसी किसी इंस्ट्रक्शंस में ये 60 स्टेट्स भी होती हैं, लेटर ऑन हम उसको डिस्कस करेंगे। नाउ दिस इज द फोर्थ स्लाइड, इस स्लाइड के अंदर हम तीनों टास्क डिस्कस करेंगे, ऑपरेशन कोड फेच साइकिल, मेमोरी रीड और मेमोरी राइट। तो ये पूरा टास्क जो है दिस इज कॉल्ड द इंस्ट्रक्शन साइकिल। इंस्ट्रक्शन साइकिल में क्या होता है, फैचिंग भी होती है और रीडिंग या राइटिंग भी होती है। तो ऑपरेशन कोड पहले फेच किया जाएगा, फिर मेमोरी रीड और फिर मेमोरी राइट। नोट करने की बात यहाँ पे ये है कि एग्जीक्यूट साइकिल में इस प्रेजेंट केस में मेमोरी रीड और राइट एक ही बार हो रही है, लेकिन वो एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो फर्स्ट वेव फॉर्म जो है हमें रिप्रेजेंट करती है क्लॉक पीरियड्स को या क्लॉक साइकिल्स को, जिसमें पहली 4 क्लॉक साइकिल्स हमारी ऑपरेशन कोड फेचिंग को रिप्रेजेंट करती हैं, नेक्स्ट 3, 5, 6, 7 इज फॉर मेमोरी रीड, 8, 9, 10 इज फॉर मेमोरी राइट। रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेशन चाहे मेमोरी से हो या इनपुट आउटपुट डिवाइस से हो, दोनों में ही 3 स्टेट्स लगती हैं। यहाँ पर हम मेमोरी हमने ले रखी है, तो मेमोरी के लिए जब भी हम मेमोरी लेंगे तो ये जो इनपुट आउटपुट ऑब्लिक मेमोरी बार है दिस इज ऑलवेज 0। तो यहाँ पे दिस इज 0, 0 और 0, ये फर्स्ट जो डिजिट है दिस इज 0, दिस रिप्रेजेंट द इनपुट आउटपुट ऑब्लिक मेमोरी बार। इन केस ऑफ अगर यहाँ पे इनपुट डिवाइस रीड हो या इनपुट डिवाइस राइट हो तो उस केस में यहाँ पर हमारा 1 हो जाएगा, लेकिन फैचिंग जो है दैट इज ऑलवेज फ्रॉम मेमोरी, सो दिस विल ऑलवेज 0, ये हमेशा 0 रहेगा। यहाँ पे इनपुट आउटपुट के केस में 1 हो जाएगा, यहाँ पे इनपुट आउटपुट के केस में 1 हो जाएगा। अब बात करते हैं फैचिंग की फिर से। फैचिंग के अंदर सबसे पहले हमारा यहाँ पर लोअर बाइट का एड्रेस स्टोर हो गया है, एली पिन जिस समय पे हाई होगी, यहाँ पे हाई है एली पिन, इस समय पे लैच के अंदर लोअर बाइट का एड्रेस स्टोर हो गया है, हायर बाइट का एड्रेस एड्रेस बस पर अवेलेबल है। और जब एली पिन लो हो जाती है इन द केस ऑफ सेकंड एंड थर्ड टी स्टेट्स में, उस समय पर हमारा ऑपरेशन कोड को फेच किया जाता है, ऑपरेशन कोड को रीड किया जाता है। ये सारे ऑपरेशन कोड और ये एड्रेस लोअर और हायर बट हेक्साडेसिमल में शो किया हुआ है।
तो ये ऑपरेशन कोड 34H जो है यहाँ पे रीड किया हुआ है. सो दिस इज फेचिंग ऑपरेशन बिकॉज इट इज़ ए ऑपरेशन कोड. तो ऑपरेशन कोड में रीडिंग ऑपरेशन ही होता है एक तरह से ये, क्योंकि जब ALE पिन लो होगी तो डाटा बस जो है, डाटा बस हमारी डाटा या ऑपरेशन कोड के लिए फ्री होती है. तो फेचिंग में यहाँ पे ऑपरेशन कोड होता है तो उसको यहाँ पे रीड किया जा रहा है. तो ये लो सिग्नल जब हम रहेगा रीड बार के ऊपर लो सिग्नल रहेगा तो रीडिंग टास्क होगा. तो फेचिंग में क्या होता है, रीडिंग ऑफ ऑपरेशन कोड इज कॉल्ड फेचिंग. राइट बार क्या है, यहाँ पे हाई रहेगा क्योंकि ये आपका अनेबल रहेगा. इन दोनों में से एक समय पे एक ही लो रहेगा, दोनों लो कभी नहीं होंगे. एक समय पे ये लो रहेगा तो ये हाई होगा, और राइटिंग के केस में जब ये लो होगा तो ये हाई होगा. नाउ इन केस ऑफ मेमोरी रीड, यहाँ पे बात करें स्टेटस की, यहाँ पे S0 और S1 ये हमारे स्टेटस सिग्नल्स होते हैं जो हमें फैचिंग, रीडिंग या राइटिंग के बारे में इंडिकेट करते हैं. तो जब S0 और S1 दोनों 1-1 होंगे उस समय पे हमारा फैचिंग ऑपरेशन कैरी आउट हो रहा होगा, जिसको हम देख के बता सकते हैं कि प्रोसेसर के अंदर इनमें से कौन सा टास्क हो रहा है. तो वेन एवर S0 एंड S1 बिकम्स 1 तो उस समय पे फैचिंग ऑपरेशन हो रहा है. नाउ इन केस ऑफ मेमोरी रीड, T5, T6, T7 3 स्टेट्स यहाँ पे लगेंगी. तो टाइम पीरियड हमारा 3 स्टेट्स का लगेगा. इसके अंदर फिर से हमारा क्या होगा, पहले एड्रेस भेजा जाएगा फिर डाटा रीड किया जाएगा. तो पहले क्या होगा, दोबारा से प्रोग्राम काउंटर एक 50H ले, ये लोअर बाइट का एड्रेस है, ये हायर बाइट है, यानी कि 4250H ये आपका क्या है, प्रोग्राम काउंटर पार्टिकुलर मेमोरी लोकेशन के पास भेजेगा जहां पर ये आपका डाटा रखा हुआ है. तो ये डाटा जब ALE पिन हाई होगी तो यहां पे लोअर बाइट का एड्रेस स्टोर हो जाएगा. जब ये ALE पिन लो होगी उस समय पर रीड बार जब लो होगा तो ये डाटा जो है रीड किया जाएगा. उस समय पर स्टेटस सिंबल्स को अगर देखेंगे तो S0 और S1 01 हो जाएगा. तो इसी तरह से मेमोरी राइट में भी 3 स्टेट्स यूज होंगी, T8, T9 और T10 मींस 3 स्टेट्स यूज हो रही हैं. यहाँ पे फिर से हमारा ALE पिन हाई होगा तो हमारे ये जो एड्रेस है, लोअर बाइट एड्रेस और हायर बाइट एड्रेस, ये प्रोग्राम काउंटर की हेल्प से मेमोरी के पास सेंड किया जाएगा. जब ALE पिन लो हो जाएगी उस समय पर लेच जो है लोअर बाइट का एड्रेस प्रोवाइड करेगा, हायर बाइट का एड्रेस डायरेक्ट एक्सेस किया जाएगा फ्रॉम द एड्रेस बस, हायर एड्रेस बस. और यहाँ पर ये हाई हो जाएगा क्योंकि हमें राइटिंग ऑपरेशन करना है. तो इस पर्टिकुलर केस में ये राइट बार लो हो जाएगा और इस मेमोरी लोकेशन पर ये जो डाटा है डाटा बस पर, ये हमारा इस मेमोरी लोकेशन पे राइट हो जाएगा, यानी कि 4250H पर 13 जो कि डाटा बस पर माइक्रोप्रोसेसर ने सेंड किया है वो इस मेमोरी लोकेशन पे राइट हो जाएगा. और जिस समय पे राइटिंग ऑपरेशन हो रहा होगा रीड बार आपका हाई रहेगा, ALE पिन लो रहेगी और स्टेटस सिग्नल्स जो हैं आपके S0 और S1 आपका 10 यहाँ पे इंडिकेट करेगा, वहाँ पे शो करेगा 10 स्टेटस. तो इस तरह से हमारा इंस्ट्रक्शन साइकिल में फेच साइकिल एंड एग्जीक्यूट साइकिल होती है. तो हमारा ये आर्टिकल कंप्लीट हो जाता है. तो हम फिर से ध्यान देंगे कि मैक्सिमम मशीन साइकिल्स एक इंस्ट्रक्शन में कितनी हो सकती हैं, M1 to M5. तो मिनिमम एक मशीन साइकिल ज़रूर होती है जो कि फेच साइकिल होती है. उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी साइकिल्स होती हैं वो रीड साइकिल भी हो सकती है और राइट साइकिल भी हो सकती है. उसके बाद अगर टी स्टेट्स की बात करें तो टी स्टेट्स हमारी जो है फेच साइकिल में 4 और 6 स्टेट्स होती हैं, और रीडिंग और राइटिंग में हमारी 3 स्टेट्स होती हैं. तो अगर बात करें कि मिनिमम टी स्टेट्स कितनी होती हैं,
क्योंकि मिनिमम एक फेच साइकिल तो जरूर होती है किसी भी इंस्ट्रक्शन में, तो इसका मतलब मिनिमम टी स्टेट्स हमारी 4 होती हैं और मैक्सिमम टी स्टेट्स हमारी 18 हो सकती हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि टी स्टेट्स मिनिमम और मैक्सिमम कितनी होगी, मिनिमम 4 टी स्टेट्स, मैक्सिमम 18 टी स्टेट्स, मिनिमम 1 मशीन साइकिल एंड मैक्सिमम 5 मशीन साइकिल्स। और किसी भी इंस्ट्रक्शन में फेच साइकिल जरूर होती है और उसके बाद एग्जीक्यूट साइकिल में रीडिंग और राइटिंग ऑपरेशन हो सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट आर्टिकल में हम एड्रेसिंग मोड्स स्टडी करेंगे, एड्रेसिंग मोड्स ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। इस एड्रेसिंग मोड्स के आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे कि एक प्रोसेसर कैसे डाटा को एक्सेस करता है। तो एड्रेसिंग मोड्स हमारा बेसिकली डाटा को एक्सेस करने के मेथड्स होते हैं या वेज होते हैं, उसमें हम डिस्कस करेंगे। 5 एड्रेसिंग मोड्स होती हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू अगेन।